ये ब्लॉग मैंने कल शाम से ही शुरू किया था। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि सारा चीज़ बनाने के बाद मैं जाऊंगी मेहंदी लगवाने, उस समय ये तय नहीं हुआ था, लेकिन फिर जब ये आए तो ये बोले मैं देखते हुए आया हूँ और पैसा देते हुए आया हूँ, तो यहाँ मौर्य कॉम्प्लेक्स पटना में मैं आ गई हूँ मेहंदी लगवाने। तो बट सावित्री व्रत के एक दिन पहले का ही मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर सब कोई अलग अलग रेट बोल रहे थे, तो ये लोग बता रहे थे। मैंने पूछा कि कल मैं आई थी 6:30 बजे के आसपास, तो लौट कर चली गई थी, कोई यहाँ पर नहीं था। तो ये लोग बोल रहे थे कि जैसे जितना लॉकडाउन में समय दिया जाता है, जैसे 2 बजे तक था 8 जून तक, तो 8 जून तक हम लोग 5 बजे तक रुके थे, और जैसे कि 9 जून से 5 बजे तक किया गया तो हम लोग 8 बजे तक रुकेंगे। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो इन लोगों ने कहा चूँकि ये औरत का ही है काम ना, तो पुलिस भी डरती है औरतों से, औरत लोग पूरा चिल्लाने लगती है। कल भी यही हुआ था, और हाथ में लगा कर, चूँकि आधा आधा हाथ में लगा हुआ था तो आधा छोड़कर वो लोग जाती नहीं, तो कल 5 बजे तक था और आज 8 बजे तक रहूँगा। तो मैं तो समय के साथ ही आ गई थी, 6:30 के आसपास मैं आ गई थी लगवाने। तो दोनों हाथ में उतना काम करने का, जब जैसे ही सारा चीज़ मेरा बन गया, 4 बजते बजते मैंने झाड़ू वगैरह दे दिया, तब मैंने एकदम राहत की सांस ली, और मतलब कि लगा बहुत बड़ा काम मेरा हो गया। मैंने ये तय कर लिया कि अब आप ब्लाउज में कुछ नहीं करना है। भैया क्या मिलाए हैं, एक तो लहरने लगा ये वाला हाथ, और क्या मेहंदी में हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीवमेंट इन ऑल। मैं हूं आपके साथ नम्रता, और आप देख रहे हैं अचीवमेंट इन ऑल। ये देखिए बरसात के सुबह की, यानी 10 जून के सुबह की है, सुबह का अभी लगभग 4:45 हो रहा है। पक्षी के चहचहाने की आवाज़ आपको मिल रही होगी। मैं 4:45 बजे उठी हूं, और ये देखिए मेहंदी का कलर भी सही चढ़ा है, और मौसम इतना अच्छा किया है, ठंडा ठंडा मौसम है, कहीं कोई नहीं जगा हुआ है। जब मैं सोकर उठती हूँ पहले मैं बाहर ही आती हूँ, इतना अच्छा हरियाली देखने में लगता है। और मैं आपको सामने का ये छत दिखा रही हूँ, यहीं पर हम लोगों को पूजा करने जाना है, यहीं पर पूजा होगा। तो हम लोगों में ये नियम होता है कि पूजा करने के पहले ही खाना बन जाएगा, जैसे कि चावल में जिसको कि कहते हैं माड़, आप लोग हम लोग सबको ही, तो वो माड़ नहीं पसाना चाहिए पूजा होने के बाद। तो सुबह से ही खाना बनाना होता है, तो मैं 5:45 बजे तक ब्रश व्रश करके रेडी हो गई थी, क्योंकि आज मुझे चाय पानी कुछ नहीं पीना है पूजा करने के पहले। तो मैं सीधा किचन आ गई झाड़ू वगैरह लगा कर, और यहाँ बेसन की कढ़ी और चावल बनाया जाता है, यही नियम है हम लोगों में आज। और ये देखेंगे नेल पॉलिश, नेल रिमूवर, सब कुछ मैं यहीं पर रखी हूँ। 1 कोट सिंगल लेयर लगाई हूँ, इस पर डबल ट्रिपल लेयर लगाऊंगी, तो क्या करूँ, जब जैसे समय मिल रहा है वैसे ही काम कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बेसन की बड़ी बना रही हूँ, और 11 बजे रात तक मेहंदी लगा कर आने के बाद भी 11 बजे मुझे मेहंदी धोना पड़ा था, क्योंकि राइट हैंड से ही सारा काम करना होता है, और भगवान जी के आगे ही मैंने रात में ही सारा चीज़ निकाल कर रख दिया था, डलिया, चना की ओकरी, जो भी पकवान बनाया था, फल फलेरी, सारा चीज़ जो जो चाहिए था, ताकि मैं सुबह कुछ भूल ना जाऊं। और मेकअप का सामान तो मैंने सुबह निकाला था, तो यहाँ पर मेरा ये बड़ी बन गया है। और अभी सब कोई क्या, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा सोया है। जब मैं रेडी होना शुरू हो गई, तो मैंने ये टारगेट मन में बना लिया था कि कम से कम 1 घंटा तो रेडी होने में ज़रूर लग जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कढ़ी बनके तैयार हो गया है, क्योंकि ये सब फेस्टिवल साल में एक बार आता है, तो बिल्कुल आराम से तैयार होना चाहिए, इतना शौक से सब कोई करता है, सारा चीज़ मैचिंग वगैरह करते हैं, तो होना चाहिए तैयार। और इधर मैंने चावल चढ़ा दिया है, तो किचन का काम निपटा कर जब मेरा कढ़ी पूरा उबल गया, चावल मैंने रेडी कर दिया, तब मैंने यहाँ पर भगवान जी का बर्तन धो लिया है, और अब मैं भगवान जी के आगे मैंने पोछा भी लगा दिया है। लेकिन मैं सच बताऊँ तो पोछा सिर्फ मैंने हॉल में लगाया है, रूम वगैरह में नहीं लगाया है, मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी। और यहाँ पर कढ़ी उबल गया है, चावल भी अब लगभग हो गया, और ये देखिए भगवान जी के आगे सारा चीज़ मैंने निकाल लिया है अभी, क्योंकि मैं अभी नहाकर आ चुकी हूँ, तो फूल वगैरह सब कुछ निकाल लिया है। और ये सारा ज्वेलरी और कपड़े, ये जो मैंने कल पहना था, रात में चेंज कर लिया था, और ये सब कुछ मैंने निकाल कर रख लिया है।
और इधर पकवान है डब्बे में, सब कुछ निकाल कर रख लिया है। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ मेकअप करने के लिए, तो मेकअप का वीडियो कल आएगा मैंने कैसे क्या किया था। और काफ़ी अच्छी लग रही थी मैं, जितने भी लोग वहाँ थे देख रहे थे बोल रहे थे कि अच्छी लग रही हैं। और चूँकि मुझे मेकअप का बहुत शौक है, मैं बहुत इतनी शौकीन हूँ तैयार होने में, मुझे इतना अच्छा लगता है। आप तो शुरू से अगर आप लोग जुड़े होंगे तो देखते ही होंगे। और अभी मेरे हस्बैंड उठ गए, मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि उठते ही मैंने तुमको यही करते देखा, तुम सुबह उठ के यही कर रही हो। मैंने कहा आप ज़रा किचन जाकर देखिए, सब कुछ मैंने कर लिया है। और यहाँ पर मैं साड़ी पहन रही हूँ, साड़ी का प्लेट भी मैंने रात में ही लगा कर रख दिया था, क्योंकि ये सब साड़ी में जब तक प्लेट नहीं बैठेगा तो आपका अच्छा नहीं लगेगा। तो मेकअप का वीडियो कल आएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मन लगने वाला है। मैं इस चैनल पर सब कुछ दिखाती हूँ, ये ब्लाउज भी दिखाने वाली हूँ, ब्लाउज भी दिखाऊँगी और कैसे मैंने कटिंग स्टिचिंग किया था। और यहाँ पर मैं गजरा लगा लूँगी, और ये बैंगल्स देखिए जो मेरी साड़ी और ब्लाउज में बिल्कुल मैच कर रहा है। एक एक चीज़ बहुत मेहनत से भाई जुगाड़ करना पड़ता है, ये तो आप लोग भी समझते होंगे। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मन लग रहा होगा देखकर, और मुझे ये सब चीज़ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो तो भाई पर लाइक कर ही दीजिएगा, क्योंकि इतनी इतनी ईमानदारी से मैं हर चीज़ दिखाती हूँ। और ब्लाउज का भी डिज़ाइन आपने पीछे देख ही लिया, उसमें और भी मैं कुछ करने वाली हूँ। यहाँ मेरा फाइनल मेकअप हो गया है। अब आवाज़ आ रही थी छत से कि सब कुछ यहाँ भी रेडी है, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों भाभी हैं, ये सारा चीज़ अपना निकाल रहे हैं, उधर मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने ट्राइपॉड मंगा कर उसमें कैमरा लगा दिया था, और आज मैं ट्राइपॉड इनका लेकर गई थी, इनके पास भी अलग से ट्राइपॉड इनका अपना रहता है, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा वाला है, तो वो इनका ट्राइपॉड मांग कर मैंने यहाँ पर लगा दिया था। तो मेरे हस्बैंड एक बार मेरे साथ आए और सारा सामान यहाँ पर वो पहुँचा दिए, और उसके बाद फिर वो चले गए थे। और यहाँ पर देखेंगे इतना अच्छा मौसम किया है, छत पर कर रही हूँ और जैसे लगता है अब बारिश होगी, आसमान आप देख ही रहे हैं। तो सारा चीज़ इन लोगों ने पहले अपना रेडी किया, उसके बाद फिर मैं पूरा अपना आपको लुक दिखाना चाह रही थी, कमर धनी वगैरह सब कुछ लगाई हूँ। लेकिन बात है क्या, इस सब समय में कोई दूसरा चाहिए होता है रिकॉर्ड करने के लिए तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन कोई था नहीं, बच्चा लोग क्लास कर रहा था, बाद में इनका बेटा आया, तब तक मैंने बहुत कुछ कर लिया था। और बैकग्राउंड थोड़ा सा आ रहा है, इस तरह से मैं हम लोगों ने पूजा किया, बहुत मन लगा था। और कथा भी पढ़ा, भाभी ने कथा पढ़ा, पिछली बार मैंने पढ़ा था, पिछली बार का भी वीडियो मेरे पास अभी है, सारा चीज़ है, सारा प्रिपरेशन, मेकअप, कैसे पूजा किया था, नीचे में किया था, इन्हीं लोगों के साथ किया था। मोबाइल लेके तो आप लोग कहेंगे तो वो भी मैं शेयर करूँगी। हर साल का बिल्कुल अलग अलग होता है। और बस थोड़ी सी मैं मोटी हो गई हूँ, कितना अच्छा मैं हो गई थी। तो यहाँ पर कथा पूजा हो गया है, अब हम लोगों के साड़ी की चर्चा हो रही है। ये लोग बोल रहे हैं कि अपना गुण यही होता है कि कैसे इन लोगों के साथ ही गई थी ब्लाउज वगैरह का कपड़ा खरीदने, तो बोल रही हैं हम लोगों का कोई सिला ही नहीं। बीच वाली जो भाभी है रेड कलर जो पहनी है वो भी सिलाई जानती हैं, लेकिन वही है कि जानता तो इंसान हर चीज़ है, लेकिन समय निकाल कर समय मैनेज करके करना ये मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। मैंने ब्लाउज में ऐसा डिज़ाइन दिया कि अगर वो अधूरा भी रह जाए तो ऐसा ना हो कि मेरा अटक जाए काम। और इस पर तो इसी तरह का ब्लाउज है, वो भी सुंदर लगेगा, मैं डिज़ाइन देकर बनाऊँगी, वो ब्लाउज भी मैं बना ही लूँगी धीरे धीरे। और मुझे लगता है फिलहाल ये अच्छा लग रहा है, इस पर खिल रहा है। और अब पूजा होने के बाद जो ये धागा बांधकर सात बार या जितनी बार आप घूमते हैं परिक्रमा देते हैं, अब वो प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद कुछ लोगों में जैसे भाभी लोग के साथ भी कर रहे थे, इन लोगों के साथ भी बिल्कुल अलग अलग तरीके से होता है। हम लोगों में क्या होता है कि घूमते जाइए और पानी जल जो है वो डालते जाइए, पंखा हुकते जाइए। इन लोगों का होता है कि पंखा खड़ा होता है, पंखा वगैरह नहीं हुकती हैं, तो अलग अलग तरह तरीके से होता है अपना करने का। और मेरे हस्बैंड पूछें कि बालकनी से ही चूँकि दिखता है, मैंने आपको दिखाया, लास्ट में भी दिखाऊंगी, तो पूछें और कितना समय, मैंने कहा लगभग हो गया है, तो अब वो भी आ जाएंगे बाबू को लेकर के। बस इसी पूजा के लिए 8 दिन पहले से मैं कितनी परेशान थी, आप लोग भी देख रहे थे, लेकिन बहुत मन लगता है, और भी लोग रहते हैं तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन सच पूछिए तो मैं 2 साल से घर में कर रही हूँ, मुझे वहाँ से ज़्यादा अच्छा घर पर ही करना लगता है, क्योंकि बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर
करती हूँ, कोई परेशानी नहीं होती, आराम से कर लीजिए। लोग कहते हैं कि दाल में नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी सब करा देता है। इस बार तो समझ लीजिए थोड़ा कम था कोरोना, लेकिन पिछली बार तो बरसात के समय और भी ज़्यादा था, तो मुझे बाहर जाने से ज़्यादा अच्छा घर पर ही करना लगा। और ये जो बेसनौटी हमने बनाया था, उसका रस्म होता है बेसनौटी तोड़कर पीछे फेंकना होता है, और बोला जाता है कि कुछ ऐसे बोला जाता है कि बरो ल मरो द, क्योंकि सावित्री इसी तरह यमराज को कहती थी कि आप जो वर हमको दिए हैं आप ले लीजिए, और जो मेरा मृत पति है उसको वापस दे दीजिए। कथा में भी ऐसा लिखा हुआ है, तो हम लोगों में ऐसा ही होता है। सात वैष्णवटी जो बनाया था उसको तोड़कर, जो रिंग फिंगर होता है उससे तोड़कर पीछे फेंका जाता है, और फिर सुबह से पानी नहीं पिया जाता है। जब पूरा पूजा हो जाता है तब सात चना यहीं पर पेड़ के नीचे ही घोटा जाता है, जो भी कच्चा धागा है उसको पंखे में बांधा जाता है, पेड़ में बांधा जाता है, लोटे में बांधा जाता है, और गले में बांधा जाता है, और पत्ते को फिर सर में लगाया जाता है। तो सब में अलग अलग नियम होता है, लेकिन ये वट सावित्री व्रत, तीज, ये सब काफ़ी अच्छा व्रत है हम औरतों के लिए, और भगवान करे कि हम लोग जीवन भर जब तक जीवन रहे हम लोग ये काम करते रहें, इस तरह पूजा करते रहें। तीज का भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो आप लोग जो पुराने हैं उन लोगों ने देखा ही होगा। मेरा ब्लॉग काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ईमानदारी से मैं बनाती हूँ और बिल्कुल सही चीज़ दिखाती हूँ, जो है तो है। भाभी लोग बोल रही थी क्या कि आप वीडियो का हम लोगों के दिमाग में याद नहीं रहा, नहीं तो बैकग्राउंड में चादर ही डाल देती। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, लेकिन चलिए अब कोई बात नहीं है। मुझे भी थोड़ा सा सवेरे आती तो मैं थोड़ा सा रंगोली वगैरह बनाने में मदद कर देती नीचे, लेकिन आप लोग तो मेरे साथ ही हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, एक सेकेंड फुर्सत नहीं है। अभी तो मैं आई हूँ तो मेरे हस्बैंड बाबू को नाश्ता वगैरह कराएं, क्योंकि ये पूजा करते करते 9:30 बज गया था, इनको ऑफिस भी जाना था, तो मुझे खाना का टेंशन नहीं था कि जाना है फिर जल्दी जल्दी खाना बनाना है। क्योंकि जितनी शिद्दत से आप सारी चीज़ को पहनते हैं जो आपका शोभा बढ़ाता है, उतनी शिद्दत से आपको इन सब सारी चीज़ों को रखना होता है समेट कर। क्योंकि जो आपकी शोभा बढ़ाता है उसको भी आपको इज्जत से रखना होता है। और हम लोगों में ये भी होता है चुंदरी ओढ़ कर की जाती है, आपने देखा होगा तीज में मैंने किया था, लेकिन यहाँ पर मुझे चुंदरी वगैरह ओढ़ के आने में ख़राब लगता है। और मेरा बेटा आ गया है, अकेले अभी मैं नहीं जा रही, यहीं रह रही, यहाँ है पापा। ये भी आ गए हैं, तो अब हम लोगों का लगभग पूजा भी हो गया है, उसके बाद पिक वगैरह कुछ हम लोगों ने खिंचाया और उसके बाद घर आई। तो बस ये यहाँ पर अभी धागा लपेट रही हूँ, 7 बार या जितनी बार आप परिक्रमा दे सकते हैं, कई लोग तो 108 बार भी देते हैं, लेकिन मैं उतना ही करती हूँ जितना मुझे हिम्मत होती है, मैं 7 बार या 11 बार दे देती हूँ। और इस तरह से इस बार का भी वट सावित्री व्रत कम्प्लीट किया, और यहाँ पर मैंने इनको खाना दे दिया है घर आने के बाद, और मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ खाया नहीं है। तो इस तरह से अभी 10:30 बज रहे हैं, ये ऑफिस निकल गए, पूरा पूजा कंप्लीट हो गया, इनको खाना खिला दिया, मैंने अभी सिर्फ डलिया का प्रसाद खाया है, और अभी तो मैंने ये उतारा है, ये ज्वेलरी और अंगूठी, क्योंकि इस हमें पानी नहीं जाना चाहिए, और बाकी ये साड़ी, यही ब्लाउज बनाया था, तो बताइएगा ये कैसा लगा। और इसमें और जो कुछ भी बचा है उसको कंप्लीट करूँगी, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ किया था और 8 बजते रेडी हो गई थी मैं। तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे। तो अभी 6:00 बज रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये पत्ता लगा हुआ है, आधा बैंगल्स मैंने खोल दिया है। दिन भर ऐसा नहीं है मैं सोई हूँ, सर दर्द करने लगा तो याद आया कि ओ अच्छा चाय नहीं पिए हैं, तो फिर अभी इनका फ़ोन आया कि क्या लेके आना है, क्या खाओगी, मैंने कहा आप अपने मन से जो ले आइए, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है, कल वैसे भी मेरा फास्टिंग है, आज 3rd डे है, कल शुक्रवार है, तो आज ये रात में निकल जाएंगे अपने घर के लिए, किसी मित्र की शादी है, तो मैं आपको दिखाऊंगी बैक कैमरा करके। अभी मैं इनके सच में आयरन कर रही हूँ, उसके बाद ये वही वाला शर्ट है जो मैंने कहा था कि चेंज करने के लिए, तो इनको ये बोले ठीक है मैं दूसरे कलर का ले लूँगा, इसको यही रहने दो, मैंने भी छोड़ दिया। और वो आपको वहाँ दिख रहा होगा वो गमला है, वहीं पर मैंने पूजा किया था,
ये देखिए इतना दूर पर है घर, और मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। शाम का भी समय हो गया है, ये लोग भी आज इन लोगों ने आज फास्टिंग रखा है, लेकिन हम लोगों में होता है जिस दिन पूजा करना है उसके एक दिन पहले। तो चलिए डियर, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, आशा ये भी करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय डियर।